बंगाल की खाड़ी में नमी बनने के कारण इस समय पूरे प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। आसमान में बादल छाने के साथ ही झमाझम बारिश भी हो रही है। बीती रात करीब 12 बजे बादलों के गड़गड़ाहट के बीच जमकर बारिश हुई। इस दौरान आसमान से ओले भी बरसे। आंधी तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश के कारण कई स्थानों पर बिजली चली गई, जिससे लोगों को काफी परेशान भी होना पड़ा। कोरबा के साथ ही इन दिनों पूरे प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने नमी के चलते कोरबा में रोजाना बारिश भी हो रही है। सुबह से लेकर दोपहर तक तेज धूप पड़ती है, जिसके बाद शाम होते ही मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आसमान में बादलों के छाने के साथ ही तेज आंधी तूफान चलती है और जमकर बारिश भी होती है। बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात करीब 12 बजे मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश हुई। इस दौरान आसमान से ओले भी बरसे। करीब एक घंटे तक हुई बारिश के कारण ऊर्जाधानी पूरी तरह से तरबतर हो गई, जिसके बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। लोगों ने बताया कि बेमौसम हुई बारिश के कारण उन्हें गर्मी से काफी राहत मिली है। आज रात में बहुत बारिश हुआ है और इसके कारण मौसम में बहुत बदलाव है। खेलने में भी बहुत सारा दिक्कत हो रहा है यहाँ मैच में। और ये कितना रात का आंधी तूफान भी आया, बिजली भी? हाँ, आंधी तूफान भी आया है, ओले भी गिरा है और तेज तूफान भी आया है, बारिश भी बहुत हुआ है। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार दो तीन दिन से मौसम अपना रंग बदल रही है। पिछले दो दिन पहले भी बरसात हुई थी आंधी तूफान के साथ में, और कल रात को तो ओले भी गिरे हैं और बिजली भी चमकी है और पेड़ भी रास्ते भी गिरे हुए हैं। अभी भी मौसम वैसा ही बना हुआ है, खुशनुमा मौसम है, हल्की हल्की बारिश अभी हो रही है, लेकिन देर रात हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों की बिजली चली गई। इस दौरान लोगों को अंधेरे में काफी परेशान होना पड़ा। काफी देर बाद बिजली के आने से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। एशियन न्यूज के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट।